मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर की छात्राओं का स्वागत है। आज के अपने इस ई लेक्चर में मैं डॉक्टर पूनम सेतिया टैक्सोनॉमी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ। इससे पहले मैं आपको टैक्सोनॉमिकल टर्म्स बता चुकी हूँ कि किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कौन सी टैक्सोनॉमिकल टर्म्स यूज़ करनी है, उनके क्या सिंबल्स हैं, फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हर्बेरियम, यानी कि पादप संग्रहालय। ये हर्बेरियम क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले हम लेते हैं। सूखे हुए पादप निदर्शों का संकलन अथवा भंडारण, यानी कि कलेक्शन और डिपोजिटरी ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन इज कॉल्ड हर्बेरियम। हर्बेरियम बनाने का उद्देश्य भविष्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों के प्रतिरूप और उनके विषय में आवश्यक सूचना सुरक्षित करना है। किसी भी क्षेत्र के फ्लोरा का हर्बेरियम तैयार करने के लिए हमें उस एरिया के प्लांट्स का कलेक्शन अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से करना होता है। फिर हम उन्हें प्लांट्स को बहुत अच्छी भांति सुखा लेते हैं और फिर हर्बेरियम शीट पर लगा लेते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है और इन हर्बेरियम शीट्स को हम जिस स्थान पर सुरक्षित रखते हैं उन्हें हम हर्बेरिया या पादपालय कहते हैं। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है ये हम आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से काम में आते हैं। अब इक्विपमेंट्स में देखिए, ये डायग्राम में देखिए, ये ए बी सी और डी, ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये है ए और बी, ये है खुरपी अथवा खोदनी, इससे हम पौधे को खोद के निकालते हैं ज़मीन से ताकि उसकी जड़ समेत कुछ आ सके, सारा पार्ट आ सके उसमें, अगर उसके अंदर कोई राइजोम बल्ब या कॉर्न है वो भी इसके साथ आ सके। इसके बाद ये है कैंची, दिस वन, ये सिक्योटर बोलते हैं इसको, वृक्षों में झाड़ियों की छोटी छोटी शाखाओं को काटने के काम में आता है। ये है वेस्कुलम। ये वेस्कुलम क्या है, देखिए ये एक टीन या एल्युमिनियम का बना छोटे साइज़ का एक डिब्बा होता है, जिसका साइज़ करीब 45x60 सेंटीमीटर लंबा डिब्बा होता है, जिसके सिरे जनरली गोल होते हैं। ये फील्ड ट्रिप के समय हमें पौधे प्लांट्स को स्टोर करने के काम आते हैं। पॉलीथीन्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं बट इसमें भी हम करते हैं। इसका ऊपर से हम वाइट कलर का पेंट लगा देते हैं ताकि सूर्य की सीधी रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब ना हो सके और प्लांट्स हमारे सूखे नहीं। तो इस तरह से सूर्य की किरणों को परावर्तित करने के लिए सफ़ेद कलर का पेंट लगा दिया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट है, ये है फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक में क्या है, हमें इस फील्ड नोटबुक में ये अपने साथ लेके जानी होती है, जैसे कि जिस हैबिटेट में, जिस आवास में हम प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं उनके आंकड़ों को नोट करने के लिए ये होता है। इसमें विशेष प्रकार की स्थाई नोटबुक या डायरी होती है जिसमें लगभग 100 पेजेस होते हैं, जिसमें नंबर क्रम से पड़े होते हैं। प्रत्येक पेज में 4 अथवा अधिक टैग्स लगे होते हैं। 1, 2, ये देखिए ये टैग्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये टैग्स लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, ये टैग्स लगे हुए हैं। और टैग्स के साथ साथ ये है कि इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी डेट को है, नेम लिखना होता है, नोट्स लिखने होते हैं इसके ऊपर, सूचना जैसे पौधा इकट्ठा करने की तिथि कौन सी है, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकेलिटी, हैबिटेट, हैबिट, अबंडेंस, फ्लावर का कलर, ये सारी चीज़ें हम डायरी में नोट कर लेते हैं। और अगर हमें इसका कॉमन नेम और बोटैनिकल नेम पता है तो हम ये भी इसमें लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है इसके अंदर, प्लांट प्रेस। नाउ प्लांट प्रेस जो है प्लांट प्रेस है, ये एक तरह की प्रेस होती है जिसमें 45x30 सेंटीमीटर साइज़ की प्लाईवुड या तार की जाली के दो टुकड़ों से बनी होती है। इनके बीच में अखबार अथवा ब्लॉटिंग पेपर रख के पौधों को दबा दिया जाता है और प्रेस को कस करके बांध देते हैं किसी पतली चेन से या चमड़े की पेटी से, और रस्सी का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमन। ये कलेक्शन हमें फील्ड में जाकर करना है। फील्ड के अंदर हम जाते हैं और हमें हर्बेरियम
हर्बेरियम बनाने की दृष्टि में प्लांट्स के स्पेसिमन को हमें कलेक्ट करते समय कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, वो ये हैं कि अगर हमें हर्ब्स हर्बेशियस प्लांट कलेक्ट करना है तो जहाँ तक हो सके उसे हमें रूट समेत निकालना चाहिए, और अगर कोई और बल्ब कॉम वगैरह भी उसके साथ हैं, प्रकंद या भूमिगत और भी भाग है, तो हमें वो इकट्ठा कर लेना चाहिए। और अगर हम श्रब या कोई झाड़ी कलेक्ट कर रहे हैं हर्बेरियम बनाने के लिए, तो उसे हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी ब्रांच लेनी चाहिए ताकि हमें उसकी फिलोटेक्सी और इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पर्ण विन्यास और पुष्पक्रम के बारे में पता चल सके। और अगर हमें पौधा या शाखा इकट्ठी करनी है तो कोशिश करना चाहिए कि उस पर फ्लावर होना चाहिए, और अगर फ्रूट हो तो और भी अच्छा। और ये सारी सूचनाएं जो हैं वो हमें फील्ड नोटबुक में तैयार कर लेनी चाहिए। अब अगला स्टेप आता है, हमने प्लांट को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस प्रोसेस में हमने प्लांट को कलेक्ट कर लिया, ये देखिए प्लांट को हमने कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। अब हर्बेरियम बनाने के लिए इकट्ठे किए गए प्लांट्स को हमने फील्ड में या अपने जहाँ पे हम रुके हुए वहाँ आके हमने ब्लॉटिंग पेपर या अखबार के सहायता से बहुत अच्छी तरह से फैलाकर दबा दिया, और उसकी शाखाएं अगर लंबी हैं तो हमने उसको वी एन या डब्ल्यू के आकार में कर दिया। एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें क्योंकि वाटर का की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा ब्लॉटिंग पेपर्स लगा के उन्हें जल्दी से सुखा देना चाहिए, और फिर उसको भली भांति प्रेस में दबाकर रख देना चाहिए। प्रेस में जो दबे हुए प्लांट्स हैं उन्हें हमें हल्की धूप में भी रख सकते हैं 24 घंटे के बाद, उसे खोलकर जो मॉइस्ट वाला न्यूज़पेपर है या ब्लॉटिंग पेपर है जो भीगा हुआ है उसे हम निकाल दें और दोबारा से नया लगा दें, और फिर उसको बांधकर प्रेस में बांधकर रख दें, फिर उसे धूप में सुखा दें। इस तरह से 24 घंटे के अंतराल में इस सारे प्रोसेस को हम सूखा रिपीट कर सकते हैं ताकि प्लांट्स जो है अच्छी तरह से सूख जाएं। अब सूखे हुए पौधे, प्लांट्स सूख गए, सूखे हुए पौधों को अब हम हर्बेरियम शीट पर लगा लेते हैं। हर्बेरियम शीट का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और ये साइज़ है, ये देखिए ये हर्बेरियम शीट होती है, ये हर्बेरियम शीट है, ठीक है, ये हर्बेरियम शीट है। हर्बेरियम शीट का एक प्रॉपर साइज़ होता है, ये हर्बेरियम शीट प्रॉपर साइज़ होता है। अब इस साइज़ का ये है 28.75 सेंटीमीटर बाय 41.25 सेंटीमीटर, यानी कि 11.5 बाय 17 इंचेस इसका साइज़ होता है। ये मोटे कार्ड शीट की बनी होती है ताकि इसमें प्लांट जो है काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रह सकता है। अब इसके ऊपर हमने प्लांट हमारा सूख गया, हर्बेरियम शीट हमने ले ली, अब हमने प्लांट को इसके ऊपर इम्प्लांट करना है यानी कि चिपकाना है। इसको चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग भी होता है हमारे देश के अंदर, कुछ जो है वो सेलफन टेप से भी इसको चिपकाते हैं, कोई गैम्ड ब्राउंड पेपर से भी इसको चिपकाया, मोटी शाखाएं जो होती हैं गोंदयुक्त बांस कागज़ से भी चिपकाई जा सकती हैं, सेलफन टेप से भी चिपकाई जा सकती हैं, सरेस या एनिमल ग्लू से भी हम इसको चिपका सकते हैं। जनरली चिपकाने के लिए सेलफन टेप यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ समय के बाद सेल्फन टेप भी निकल जाती है और हर्बेरियम शीट भी ख़राब हो जाती है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें सेल्फन टेप से नहीं चिपकाना है। एक शीट पर हमें एक ही पौधा चिपकाना चाहिए, और डायसेक्टेड फ्रूट या फल उसी से रिलेटेड है तो हम फिर उसे उसी पेज पर लगा सकते हैं, है ना, किसी और साइड पे नीचे या किसी, जनरली हमें एक प्लांट को एक प्लांट को एक शीट पर एक ही प्लांट लगाना चाहिए। हर्बेरियम शीट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पौधे को शीट पर चिपकाने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरी क्लोराइड से उसका उपचार भी किया जा सकता है। हर्बेरियम शीट के ऊपर एक राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर पर निचले भाग के दाएं कोने पर एक लेबल लगा हुआ होता है, इस लेबल का भी एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर का होता है, और इस पर सूचनाएं लिखी हुई होती है, इस पर सूचनाएं होती हैं, सबसे ऊपर होता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, फिर उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट का के लिए हम वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद फील्ड नंबर होता है, फिर फैमिली का नाम होता है कि कौन सी फैमिली का प्लांट है, बोटैनिकल नेम क्या है उस प्लांट का, उस प्लांट की जहाँ से पौधा लिया गया उस लोकेलिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, हैबिटेट कैसी है, फील्ड से और कोई सूचना हमें मिलती है तो वो हम इसमें लिख सकते हैं, जिसने प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम क्या है, कलेक्टर्स का फील्ड नंबर जो हम सबको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग, जितने भी मेंबर्स जाते हैं कलेक्ट करने के लिए उस कलेक्टर का फील्ड नंबर क्या है, और सामान्य नाम क्या है उस प्लांट का, या फिर वो स्थानीय लोग उसको किस नाम से बुलाते हैं, और उस पौधे का उपयोग क्या है, इसके विषय में क्या सूचनाएँ हैं। इस प्रकार से हमने हर्बेरियम शीट तैयार कर ली, जिस प्रकार से ये है। अब हर्बेरियम शीट्स हमारी
सारी तैयार हो गई हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ पर नेपाल की बजाय हमारा राजस्थान लेते हैं, ठीक है। अब फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट्स क्या है? हर्बेरियम शीट्स में पौधे चिपकाने और उनके नाम आदि लिखने के पश्चात इन्हें लकड़ी या स्टील की अलमारी में किसी मानक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, हमारे यहाँ पे हम जनरली बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें व्यवस्थित कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास हर्बेरियम शीट का एक परमानेंट कलेक्शन तैयार हो गया। इसका समुचित रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है। इसे समय समय पर हमें फंजीसाइड्स और इंसेक्टीसाइड्स पाउडर छिड़क के इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हर्बेरियम की अलमारियों में भी DDT या नेफ्थलीन बॉल इत्यादि रख देने चाहिए। ये सारा प्रोसेस है कि किस तरह से हम फील्ड में प्लांट को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसने टेम्परेरीली एक बार वेस्कुलम में उस फील्ड से लेके आते हैं, फिर हम अपने पास घर में आके या अपने स्टेशन पर आके हम उसे किस प्रकार से प्रेस में दबा कर रखते हैं, फिर हमें जल्दी जल्दी से उनकी न्यूज़पेपर्स बदल देने चाहिए या ब्लॉटिंग पेपर से बदल देने चाहिए। इस प्रोसेस में जब वो सूख जाते हैं तो उन्हें हमें प्लांट प्रेस से निकाल के हर्बेरियम शीट के ऊपर माउंट करना होता है, और माउंट करने के बाद वो शीट हमारी सुरक्षित हो जाती है और फिर हम उनकी फाइलिंग कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो हर्बेरियम का को बनाने का और उसको प्रोसेस को संभालने का है। अब लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है, लास्ट जो पॉइंट है, सम इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड लिस्टिंग। जल्दी से मैं बोलना चाहूँगी, जो हर्बेरियम है वो मोस्ट ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स के अंदर बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी ही रखे हुए हैं। कुछ एक जगह पर एंगलर और बैसे के अकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे। तो इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया में। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, ये ब्रिटेन में है, 1841 में इसकी स्थापना हुई और ये सबसे बड़ा हर्बेरियम है। इसमें सभी प्लांट्स की जो है फ्लोरा के सभी एरियाज़ के फ्लोराज इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है हर्बेरियम ऑफ द बोटैनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ द एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ लेनिनग्रैड, यानी लेनिनग्रैड विज्ञान अकादमी के वनस्पतिक संस्थान का हर्बेरियम, USSR में है। ये 1714 में इसकी स्थापना हुई और एशिया जो है मेन USSR और उत्तरी एशिया के वनस्पति जगत की सारी जो है हर्बेरियम इसमें के प्लांट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी कड़ी में आगे है ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन ग्रेट ब्रिटेन, इसी तरह से बोटैनिकल गार्डन पेरिस, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन USA 1868 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हॉवर्ड कैलकटा, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये हमारे इंडिया में है। इसकी स्थापना जो है 1793 में हुई और इसमें फर्न्स के स्पेसिमेंस प्रेजेंट हैं। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाया गया है और इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, बुक्स भी इसमें इसी हर्बेरियम के उसके ऊपर। और इसके पश्चात इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया में हमारे इंडिया का नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ आता है, इसमें 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई और 40,000 स्पेसिमेंस हैं। ये इसलिए कह सकते हैं कि इस हर्बेरिया में 40,000 स्पेसिमेंस की हर्बेरियम शीट्स बनी हुई हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हर्बेरियम और इसमें इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड भी आ गए, हमारे इंडिया के भी दो शामिल हैं इसके अंदर। थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट हर्बेरियम।